अभी तक ऑनलाइन कंपनियां जमकर अपना काम कर रही थी और खूब पैसा भी कमा रही थी, लेकिन विदेशी निवेश वाली ऑनलाइन कंपनियों के लिए एक बुरी खबर है, क्योंकि नए साल से जो नीति लागू हो रही है उसके अनुसार कई कंपनियों को नुकसान होगा तो कई को फायदे भी मिलेंगे। लेकिन बता दें, ग्राहकों को यह नुकसान होगा कि उसे ऑनलाइन शॉपिंग से जो तमाम तरह के फायदे मिलते रहे हैं वो ग्राहक अब नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि केंद्र सरकार की नई नीति से कैशबैक, एक्सक्लूसिव सेल, अमेजन प्राइम या फ्लिपकार्ट जैसी जो ऑनलाइन कंपनियां चल रही हैं वो सब फायदे इन पर बंद हो जाएंगे। इससे कंपनियों को जो नुकसान होना है वो तो होगा ही, लेकिन ग्राहक का प्रोडक्ट पर मिलने वाला फायदा भी नहीं ले पाएंगे। ई कॉमर्स कंपनियों द्वारा कस्टमर्स को भारी छूट दिए जाने के खिलाफ घरेलू कारोबारियों की आपत्तियों के मद्देनजर इस फैसले को अमल में लाया गया है। जाहिर है कि अभी तक आप भी ऑनलाइन शॉपिंग करके फायदा उठाते थे, तो अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इससे बड़ी कंपनियों को भी नुकसान हो रहा था। नेक्स्ट टाइम टैक के लिए राशिद अली की रिपोर्ट।